इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सुबह सुबह आज मैंने एक पेशेंट के साथ में बातचीत किया, डील किया, उसको ऑनलाइन कंसल्टेशन था। उसमें उन्होंने ये मुझे सलाह मांगी कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे छोड़ दिया है और मैं बहुत दुखी हूँ। अभी मुझे शादी करना है क्योंकि वो तो चली गई, उसने शादी कर लिया। अब मैं जब शादी करूंगा तब उसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा? मतलब भाई हुआ क्या? मतलब ऐसा है कि एक साल पहले उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, वो गर्लफ्रेंड के साथ में वो बाइक पे जा रहा था। ऐसा है कि गर्लफ्रेंड के ऊपर इम्प्रेशन मारने के लिए लड़के लोग बहुत जोर से चलाते हैं बाइक, जरा ज़्यादा ही मैनशिप करते हैं, है ना, ज़्यादा ही मतलब ऐसा बताते हैं कि देखो मैं कितना साहसी हूँ वगैरह वगैरह। उसमें गड़बड़ हो गई और उसमें एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में वो दो तीन दिन ऐसा अल्टर्ड सेंसोरियम में था, बेहोश जैसा था, पूरा होश नहीं था। बाद में धीरे धीरे ठीक हो गया। उसके बाद में वो लड़की के साथ में उसका संपर्क आया, सेक्सुअल रिलेशनशिप आ गई, उसने सेक्स किया। और बहुत दिन के मिलने के बाद में यदि सेक्स कर रहा है तो उसको ऐसा डिमांड भी उसने किया लड़की ने, और उसको भी ऐसा लगा कि अपन ने सेकंड टाइम करना चाहिए, और उसने तुरंत सेकंड टाइम करने की कोशिश की और उससे हुआ नहीं। जैसे ही सेकंड टाइम हुआ नहीं तो उसको धक्का बैठ गया कि अरे क्या हो गया, ये एक्सीडेंट से तुम्हें आदमी में से निकल गया क्या? एक्सीडेंट हो गया करके अभी मैं काम का नहीं रहा। वो लड़की ने भी उसको ऐसे बोला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, अब तुम काम के नहीं रहे। उसको जो धक्का मन को बैठ गया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और अभी मैं पुरुष नहीं रहा, मैं सेकंड टाइम नहीं कर सका, और वो जो एक बिलीफ उसके दिमाग में पक्का बैठ गया। और वहां से फिर जब नेक्स्ट डे और वो कॉन्टेक्ट करने के लिए गया तो उसका संबंध हुआ ही नहीं। जैसे दो तीन बार कोशिश किया, हर बार जब जाता था वो कांटेक्ट करने के लिए तब दिमाग में यही था कि आज मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, बस उतना ही दिमाग में विचार है। जब इतना दिमाग में विचार है, जब इतना दिमाग में स्ट्रेस है तो करना असंभव है। उसने गोली खा के किया तो मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया हुआ है कि कुछ भी आप गोली खाओ, कुछ भी मेडिसिन लो, वो मेडिसिन तभी काम करेगी जब दिमाग में एक्साइटमेंट है। दिमाग में इच्छा नहीं है, दिमाग में टेंशन स्ट्रेस है तो गोली काम नहीं करेगी। तो उसने गोली भी लेके कोशिश किया, जमा नहीं। आखिर वो दोनों ये निर्णय प्रत आ गए कि भाई ये एक्सीडेंट होने के बाद में ये आदमी से निकल गया। और लड़की बोले अभी मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, अभी मिलेंगी नहीं, और वो उसने छोड़ दिया उसको। उसको बहुत बड़ा, उसका भी बहुत धक्का बैठ गया और बाद में फिर उसने छोड़ दिया। अभी सवाल है कि शादी, घर के लोग बोले शादी करो। उसको मालूम है कि जब सुबह उठता है तो उसका इरेक्शन आता है, उतना कठोर नहीं है जितना पहले कठोर था, मगर इरेक्शन रात में भी कभी उठता है तो आता है, सवेरे उठता है तो आता है। तो मतलब फिर कोई चिंता करने का काम नहीं है। नहीं नहीं मगर आता है इरेक्शन सुबह, मगर जल्दी वो शिथिल हो जाता है। मतलब वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आ रहा है बहुत अच्छा है, तो मगर उसका समाधान नहीं हो रहा है, बहुत टेंशन में, और बोलता है कि आप मुझे पहले ये पक्का बताओ कि मैं सेक्स कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। मतलब बिल्कुल कर सकेंगा, आपको सिर्फ दिमाग में पहले शांति रखना है। जो चिंता है, एंग्जाइटी है, वरी है, एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो एक्सीडेंट का जो सदमा पहुंचा है वो है, वो यदि आप दिमाग में रखेंगे तो जो होने वाला है नहीं। शादी करो, शादी के बाद में भी हो सकता है कि दो चार दिन आप बहुत टेंशन में रहेंगे, मैं आपको काउंसिलिंग करूंगा, शादी के बाद में मेरे से बात करो। हो सकता है कि दो चार दिन के बाद में धीरे 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 जैसा टेंशन कम हो जाएगा दिमाग का, वैसा आप सेक्स कर पाओगे। मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैंने उसको डॉपलर टेस्ट करने के लिए एडवाइस किया, डॉपलर टेस्ट करो, आपका सीमेन टेस्ट कर लो, जो भी चाहे आपको, जो भी टेस्ट करने से आपको तसल्ली हो जाएगी वो टेस्ट करो। मुझे विश्वास है कि आपको कुछ हुआ नहीं है। आपने उस दिन बिना समय, मतलब सेकंड टाइम करने के लिए कुछ समय देना पड़ता है, आप कुछ समय देंगे नहीं, तुरंत बोलेंगे अभी मैं करता हूँ, उसमें गड़बड़ हो गई है, बाकी कुछ प्रॉब्लम आपका है नहीं। ऐसा जब मैंने उसको बोला तो बोले ठीक है, अभी मेरे माँ बाप को बोलता हूँ कि ठीक है मैं शादी को तैयार हूँ, और शादी के बाद में यदि कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मैं आपको जरूर संपर्क करूँगा। मतलब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने मुझे धन्यवाद दिया और हमारा कॉल खत्म हो गया। मुझे आपको ये बोलना है कि सेकंड टाइम जब आप करते हैं तभी कुछ ना कुछ समय देना जरूरी है। आपने एक बार पेट भर खाना खाया और सेकंड टाइम 10 मिनट बाद में आप दूसरा खाना खाने के लिए बैठेंगे क्या? नहीं होगा, आपको इच्छा ही नहीं होगी क्योंकि बहुत पेट भर आपने खाना खाया हुआ है। वैसे ही सेक्स का है, सेक्स के लिए कुछ समय देना पड़ता है तब आप सेकंड टाइम कर सकते हैं। तो ये यदि ख्याल में रखते हैं तो इस तरह का जो एक्सीडेंट ये लड़के के लाइफ में हुआ, वैसा एक्सीडेंट आपके लाइफ में होगा नहीं। कौन सा एक्सीडेंट? कि अभी मैं काम का नहीं रहा और गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ये एक्सीडेंट। वो नहीं कि जो एक्सीडेंट हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को,
ताकि आपको नए नए वीडियो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।